haftalar ben. बाकी पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसमें जो है वो अपनी जो है वो शरीक होंगे और साथ साथ आप देखें एक ऐसी पार्टी जिसके अपना सरबरा उसको अपनी पार्टी पे एतमाद नहीं था और वो आजाद एशिया से इलेक्शन लड़ा है उसने लिस्ट जमा नहीं कराई है आज वो क्लेम करते हैं कि सीटें हमारी हैं वो सीटें उनकी नहीं हो सकती हैं इंशाल्लाह ताला कल ये फैसला हमारे हक में होगा और हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो है वो हल्क उठाएंगे। सूबे और मरकज की कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा सूबा तरक्की करे और हमारा सूबा जो है आगे की तरफ बढ़े न कि हम पीछे की तरफ चले जाएं। पहले आप कह रहे थे कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे, आप जब सेटलमेंट हो गया बड़े बड़े काम जो सीनियर रहनुमा है या पीपल पार्टी मोदी को सीपीआई के दरमियान सूबे के हकूक के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकती है? देखें बिल्कुल मरकज में जो है PMLN और उसकी इत्यादि जमातों की हुकूमत है, सूबे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो है वो हुकूमत है। मैं समझता हूँ कि हमारा सूबा आपका और हमारा सूबा जो है ये बहुत मसाइल का शिकार है। पैसे देने के लिए तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, तरक्याती काम है। आपने फॉर्मर फाटा के साथ 100 अरब का वादा किया कि हम सालाना खर्च करेंगे। आपके यहाँ पर वॉर ऑन टेरर भी है, आपके दहशतगर्दी का शिकार सूबा है, आपकी तरक्याती काम है। जब तक आप मरकज के साथ ताल्लुक ठीक नहीं रखेंगे उस वक्त तक आपको ये चीज़ें नहीं हो सकती। लिहाजा इलेक्शन का फेज गुजर चुका है, सूबे की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुकूमत को जो है मरकज के साथ कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए। आज वो वावेला कर रहे हैं कि हम अपना हक लेंगे, क्या जब पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान वजीर आजम था क्या आपके वजीर आजम ने कभी उसके सामने अपने हक की बात की? क्या हमारे जो रॉयल्टी के पैसे उसकी बात की? कभी नहीं कर सके क्योंकि उसको अपनी नौकरी पे वो था कि मुझे नौकरी से निकालना दिया जाए। लिहाजा हम कहते हैं अब वो दौर गुजर चुका है, सूबे और मरकज की कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा सूबा तरक्की करे और हमारा सूबा जो है आगे की तरफ बढ़े न कि हम पीछे की तरफ चले जाएं। पहले आप कह रहे थे कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे, आप जब सेटलमेंट हो गया बड़े बड़े अहदे दे गए और हम आज भी काबीना का हिस्सा नहीं है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है। काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं? हम काबीना का हिस्सा बनने नहीं जा रहे हैं, हम काबीना का हिस्सा नहीं है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट हैं जो अगर आप देखें प्रेसिडेंट जारी साहब जो है अभी इलेक्ट हुए हैं, आगे सेंट के चेयरमैन का इलेक्शन भी आ रहा है वो भी होगा, तो हम काबीना का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत को जो है सपोर्ट करेंगे। आप क्या समझते हैं देना चाहिए या नहीं? देखिये नॉर्मली तो ये होता है कि आप समरी बेचते हैं, 3 नाम बेचते हैं, उसमें जो है वफाक आपको बेचती है। आप थोड़ा सा माजी में जाएं, जब सिंध चीफ सेक्रेटरी मांग रहे थे इनकी हुकूमत में और IG मांग रहा था तो सिंध के साथ क्या सलूक हुआ था वो जरा आप जरा वो खबरें भी निकालें और वो बयान भी निकालें उस वक्त की PTI की लीडरान की। लिहाजा जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको पूरा किया जाए, ये PTI की कोई टाइगर फोर्स नहीं है या PTI का कोई अहदा नहीं है जिसके लिए आप किसी को मांग रहे हैं। और जो है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो लीगली जो है मरकज को लिखे और लीगली जो है उसको चीज़ मिलेगी, ये कोई अहदा नहीं है कि आप किसी को सदर या जनरल सेक्रेटरी बनाने जा रहे हैं। शुक्रिया।